नमस्कार, आप सभी का हमारे और आपके चैनल जीपी एडवाइस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने वीडियो स्पेशली क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इस वीडियो को हम क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाले उनके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको इस वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो शेयर करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम फरवरी के मंथ में स्टार्ट हो गए। लेकिन इस बार क्लास ट्वेल्थ के लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है सीबीएसई की तरफ से कि उनके एग्जाम सिर्फ 15 डेज का लेंगे। इसके पीछे सीबीएसई ने एक ही कारण बताया कि इलेक्शन भी एक कारण बताया गया। दूसरा, अगर वो 15-20 डेज से ज़्यादा एग्जाम चलाते हैं तो आगे उनके जो एग्जाम होते हैं जी मेन या फिर नीट एग्जाम, उनमें डिस्टर्बेंस आ सकती है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए, वो उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया कि 15-20 डेज ही बोर्ड एग्जाम चलेगा क्लास ट्वेल्थ के। और जो क्लास टेंथ के एग्जाम है वो अप्रैल फरवरी के मिड से स्टार्ट होकर अप्रैल के मिड तक चलेंगे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए। ये अभी शॉकिंग न्यूज़ आ रही सीबीएसई की तरफ से। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम आपको ऐसी न्यूज़ आपको सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड करते रहे।